नमस्कार पिला, इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। तो आज जो क्लास रही 27 नंबर क्लास रही, या पूर्व ऑलरेडी क्लासेस 26 टा अपलोडेड अच्छी। मुझे कही रखी थी सिलेबस वाइज डिस्कशन फुल्ली रही, तेणु आपके मुझे आसी जाइए 27 नंबर क्लास। या पूर्व जो मैंने क्लास अटेंड करना जातु प्ले लिस्ट देखि दिंतु। ता सहित 1000 क्रैश कोर्स ऑलरेडी आपर चली, तेणु से जो मैंने क्रैश कोर्स देखुना से जा क्लास कोर्स देखी दिखाँ। ऑलरेडी दुईटा पार्ट अपलोडेड अच्छे, ठीक अच्छे। पे आज का क्लास आग को बढ़िया पे गोटे कथा, कमेंट्स बहुत क्वेश्चन पचारे सार एटा कौन है सेटा कौन है एमती कौन है कहीं है एडमिट कार्ड केवे आसो केमी डाउनलोड करवा पीडीएफ केमी अवेलेबल हम वगैरह वगैरह बहुत कह रहे क्वेश्चन। तो मुझे कहूँ आप डायरेक्ट जंप कर जाते कौटिना क्वेश्चन डिस्कसन उपरू। प्रथम आप इंट्रोट देखु या लास्ट देखते मुझे कौन कौन सजेसन दूसरी कौ विषय कहूँ केवे कौ सब्जेक्ट एग्जाम आसो से गुड़ाक आप देखुना। तो बारंबार मुझे सब वीडियो रे जदि आप न शुणे मुझ कमेंट रे समस्त को आंसर दे पारि, ठीक अच्छे। पे तो आगे बढ़िया आजिकार सब्जेक्ट और कंटेंट विषय में कौन देखीद। आजिकार सब्जेक्ट पावर जेनेरेशन, ठीक अच्छे। पे पावर जेनेरेशन से कंटेंट कौन है जेनेरेशन सोर्स ऑफ एनर्जी कंपैरिजन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स एडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल वेरियस वेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर नॉन कन्वेंशनल थर्मल कोल बेस्ड डीजल बेस्ड गैस बेस्ड टर्बाइन कॉन्स्टिट्यूएंट इन स्टीम पावर स्टेशन। ये हो जो पावर जेनेशन समस्त कंटेन्ट यार क्वेश्चन नहीं आसी मैथमेटिकल क्वेश्चन रोक थियोरिटिकल भी क्वेश्चन रोक एमसीक्यूस रोक। तो आगे बढ़िया आज का सेसन में कौन क्वेश्चन अच्छी फास्ट क्वेश्चन देखीद कौन अच्छे। तो फर्स्ट क्वेश्चन डेस इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये समस्त भितर कौटा गोटे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ए जियोथर्मल एनर्जी बी कोल सी डीजल ऑयल डी न्यूक्लियर एनर्जी। आपको उत्तर कौन हो डीजल ऑयल जोटा कि गोटे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। परवर्ती क्वेश्चन देखा देखा पूर्व सोर्स ऑफ एनर्जी उपर टे रिव्यू करदेव देखा सोर्स ऑफ एनर्जी को दुईटा पार्ट डिवाइड कराई गोटे कन्वेंशनल सोर्स गोटे नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स रे कमर्शियल गोटे अच्छे नॉन कमर्शियल अच्छे कमर्शियल कौन आस कोल पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक अच्छे। तो नॉन कमर्शियल फायर स्ट्रो फायरवुड स्ट्रो एंड ड्राइड डंग हो, ठीक अच्छे। जोटा कि ड्राइड डंग आप गोबर जो सुखला गोबर, ठीक अच्छे। घसी आप गोटे गोटे जगह कहते। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स रे कौन आयो एनर्जी आसो बायोगैस एंड बायोमास सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक एनर्जी फ्रॉम ओशन। ये रही आपर सोर्स ऑफ एनर्जी फुल्ली डाटा कौन कौन सोर्स एनर्जी अच्छी कौटा कन्वेंशनल एनर्जी कौटा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे स्क्रीनशॉट करके नहीं रखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखीद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड एज ए कंट्रोल रॉड्स एंड कूलेंट रिस्पेक्टिवली इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन कंट्रोल रॉड और कूलेंट भाव में कौ मटेरियल को व्यवहार कर यूरेनियम एंड सोडियम बी कैडमियम एंड सोडियम सी ग्राफाइट एंड कैडमियम डी ग्राफाइड एंड सोडियम। तो आपको उत्तर जोटा हो कैडमियम एंड सोडियम भाव में व्यवहार करोटा कि कंट्रोलर्स और कूलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखीद ए 2 kW वाटर हिटर ऑपरेट्स 8 hours पर डे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे मार्किंग करनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इफ द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज 3 per unit देन कैलकुलेट द टोटल बिल फॉर 1 month 30 days एज्यूमिंग द चार्ज फॉर द फर्स्ट 100 units आर नील। जदि 100 units प्रथम नील रही है आपने एज्यूम करते कैसे चार्ज लगे ए आंसर कौन हम देखा ए 1140 बी 1440 सी 1740 डी 840 टंका। तो आपको उत्तर कौन हो ए हिं हम जोटा कि 1140 1140 है जीवो। बाकी कैलकुलेशन नेक्स्ट स्लाइड देखी दिखाँ कैलकुलेशन आप कनसेप्ट मेनसन कर दीची जोटा कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो ई इक्वल टू पी इंटू टाइम हो पावर इंटू टाइम वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ई आपड़े ई रे मेनसन कर सहित आप कैलकुलेशन ये देखी दिखाँ, ठीक अच्छे। पे 1140 टंका हम यार कैलकुलेशन भल कि देखी दिखाँ सहित स्क्रीनशॉट करके नहीं आपको पीडीएफ अवेलेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखीद इन द केस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स वाटर इज टेकन टू द वाटर टर्बाइन थ्रू ए ह्यूज स्टील पाइप फ्रॉम द वाल्व हाउस नोन एज ए सर्ज टैंक बी पेन स्टॉक सी स्पिल वे डी ड्राप ट्यूब। तो आपको उत्तर कौन हो जोटा कि पेनस्टक हो ये रही आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उपर क्वेश्चन, ठीक अच्छे। पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच इज द फॉलोइंग पावर प्लांट फ्री फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कौ पावर प्लांट फ्री थाए मुक्त थाए ए डीजल
बी न्यूक्लियर सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डी स्टीम पावर प्लांट तो आपको उत्तर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो 5 नंबर सी है जो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दबा द प्रिंसिपल ऑफ सोलर पावर इज बेस्ड ऑन तो आपनकर सोलर पावर को प्रिंसिपल ऊपर बेस्ड होची ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बी थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सी फोटोवोल्टाइक इफेक्ट डी फिजियन तो आपनको उत्तर जोडा हिजो सी जो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट अनुसार सेही प्रिंसिपल ऊपर सोलर पावर जोडा की आपनकर बेस हिची नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दबा डैश इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन प्रोसेस तो कौन आम व्यवहार करोटा कि फास्ट स्टेप तार न्यूक्लियर पावर जेनेट कर न्यूक्लियर जो जेनेटिंग आपर इलेक्ट्रिक जेनेट कर कौन व्यवहार कर फिजियन बी फ्यूजन सी रिएक्शन डी आइसोटोप तो आप उत्तर कौन हो फिजियन नेक्स्ट क्वेश्चन देखीद वाटर हामर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कजेस तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर हामर रण काम कौ कारण से वाटर हामर जो क्रिएट होता है ए सडन ड्रॉप ऑफ वाटर प्रेशर इन पाइप बी सडन ब्रेकिंग ऑफ टर्बाइन सी डैम ओवरफ्लो डी सडन राइज ऑफ वाटर प्रेशर इन पाइप तो आपको उत्तर कौन हो जोटा कि सडन राइज ऑफ वाटर प्रेशर इन पाइप नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीम पावर स्टेशन तो ये मान को कौनटा गोटे स्टीम पावर स्टेशन पार्ट नुहे ए पेन स्टॉक बी प्राइम ओवर सी कंडेंसर डी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो आपको उत्तर हो पेन स्टॉक यहाँ हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रोटा कि गोटे पार्ट बट नॉट स्टीम पावर प्लांट रोटे पार्ट नुहे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द रेशियो ऑफ फुल लोड एंड पीक लोड इज कॉल्ड तो आपर फुल लोड बाय पीक लोड रो रेशियो को आपको कौन कहता है ए डायवर्सिटी फैक्टर बी लोड फैक्टर सी डिमांड फैक्टर डी एवरेज डिमांड तो आपको उत्तर ए हो जोटा कि डायवर्सिटी फैक्टर आम कही था फुल लोड बाय पीक लोड नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन थर्मल पावर स्टेशन व्हिच टाइप ऑफ हीटर्स आर इंस्टॉल्ड इन बिटवीन कंडेंसर एंड बॉयलर फीड वाटर पंप तो कंडेंसर आउ बॉयलर फीड वाटर पंप मध्यरे मझीरे आपण कोन प्रकार हीटर व्यवहार कर जाय थाय ए लो प्रेशर हीटर बी हाई प्रेशर हीटर्स सी एयर प्री हीटर डी बोथ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर हीटर्स तो आपको उत्तर ए हेजबो लो प्रेशर हीटर्स क्वेश्चन देखि दबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज मोस्ट एफिशिएंट बट हैज हाई इनिशियल कॉस्ट तो कौन कौन पावर प्लांट जोटा कि बहुत एफिशिएंटली काम करे बट इनिशियल कॉस्ट जोटा कि बहुत हाई था ए डीजल पावर प्लांट बी न्यूक्लियर पावर प्लांट सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डी स्टीम पावर प्लांट तो आपको उत्तर सी है जोटा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को सेटअप करने इनिशियल बहुत कॉस्ट खर्च होता है किंतु एमें एफिशिएंटली पावर जेनेट कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज डैश तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या बेस कर प्रेसराइज वाटर रिएक्टर बी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर सी सोडियम ग्राफाइट रिएक्टर डी रैपिड ब्रीडर रिएक्टर तो आपको उत्तर कौन हो जोटा कि बी हो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज सेट अप इन इंडिया एट तो आप फास्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर आप इंडिया कौटी सेटअप होता ए राणा प्रताप सागर बी बॉम्बे सी तारापुर डी कल्पकम तो आप उत्तर जो हो बी हो बॉम्बे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन मॉडरेटर इज यूज्ड टू आपको न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो मॉडरेटर व्यवहार करवहार करते ए एब्जर्व न्यूट्रॉन्स बी रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स सी एसिलेट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स डी स्टॉप चेन रिएक्शन तो आप उत्तर कौन हो बी हो रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स क्वेश्चन देखिए पे ए कंज्यूमर कंज्यूम 600 किलोवाट आवर पर डे एट ए लोड फैक्टर ऑफ 0.5 विदाउट इंक्रीजिंग द मैक्सिमम डिमांड इफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द लोड फैक्टर टू 0.8 कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर वुड बी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो ओपीटीसी लो प्रीवियस क्वेश्चन तो पिला माने यार फॉर्मुलेशन आपण मने रखंतु आपणकर यूनिट आपण नंबर चेंज हेजिबो एटा तो निश्चित कथा काहे सेम क्वेश्चन रिपीट होबो रही ठीक अछि मैथमेटिकल फॉर्म रे तो यार आंसर कोन होबो ए 480 बी 960 सी 900 डी 300 तो आपको उत्तर जो बी हो 960 तो यार आंसर देखीद ये देखते कनसेप्ट कौन रही है भल कि पूरा बुझे रखी सहित कैलकुलेशन कौन रही है ठीक अच्छे लोड फैक्टर टा आपको केमी कैलकुलेशन करेंगे लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड इन मैक्सिमम डिमांड लोड फैक्टर इक्वला एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम तो ये रहा आप गिवन डाटा अनुसार कैलकुलेशन 960 किलोवाट आवर तो परवर्ती क्वेश्चन को बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखीद इन थर्मल पावर प्लांट्स द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इज टू तो आप थर्मल पावर प्लांट इकोनोमाइजर व्यवहार कौन पाई कर ए
heat steam from boiler, B. Heat feed water using flue gas, C. Heat air fuel mixture, D. Heat steam taken from turbine outlets. तो आपन को उत्तर जो डा कि B है जो heat feed water using flue gas. तो flue gas को व्यवहार करके आपन को जो feed water जो को feeding कर जाए, इस water को आपन को गर्म कर जाए. Next question देखियो. Which of the following power plants employs the Rankine cycle? ए मान को उधर कौन power plant रे Rankine cycle apply हुए? A. Nuclear power plant, B. Hydroelectric power plant, C. सोलर पावर प्लांट या फिर डी थर्मल पावर प्लांट. तो आपको उत्तर डी ही हम थर्मल पावर प्लांट रैंकन साइकिल हमें यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ टर्बाइन यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट फॉर ए वाटर हेड रेंज ऑफ 70 मीटर टू 500 मीटर. तो 70 मीटर रु जदि 500 मीटर भीतर वाटर हेड अछि तले से कोन प्रकार हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट व्यवहार करते हैं. ए पेल्टन व्हील, सी बी कपलान या फिर सी फ्रांसिस या फिर डी प्रोपेलर. तो आपन को उत्तर कोन हिजबो सी हिजबो जोटा कि फ्रांसिस टर्बाइन आपे व्यवहार करथो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा, द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज. तो आपन को कंट्रोल रॉड को माने बनेया पय हमें कोन प्रकार मटेरियल व्यवहार करथाउ न्यूक्लियर रिएक्टर रे. ए कॉपर, बी कैडमियम, सी ग्राफाइट, डी सिलिकॉन. तो आपन को उत्तर जो हिजबो कोन बी हिजबो जोटा कि कैडमियम हि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा, व्हिच डिवाइस senses the wind speed in a wind power generation. तो आपन मान को कोन डिवाइस जोटा कि विंड स्पीड को सेंस करथाय विंड पावर जनरेशन ले. ए एक्साइटर यूनिट, बी टर्बाइन कंट्रोलर, सी चॉपर कंट्रोलर, डी लाइन कंट्रोलर यूनिट. तो आपन उत्तर बी है जो टर्बाइन कंट्रोलर. इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग कर नियंत पिला माने आगो को देखियो परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि. व्हिच टर्बाइन इज यूज फॉर हाई हेड्स इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. तो आपन मान को कोन प्रकार टर्बाइन जोटा कि हाई हेड व्यवहार करथाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रे. ए कॉपलैंड टर्बाइन, बी इंपल्स टर्बाइन, सी फ्रांसिस टर्बाइन या फिर डी रिएक्शन टर्बाइन. तो आपन को उत्तर जो हे जीवो बी हे जीवो जोटा कि इंपल्स टर्बाइन हाई हेड यूज करथाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रे. परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन अछि, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चार्ज कंट्रोलर इन बैटरी बेस्ड माइक्रो हाइड्रल पावर जनरेशन. तो आपन मानकर चार्ज कंट्रोलर रो फंक्शन कोन जोटा कि बैटरी बेस्ड हेता माइक्रो हाइड्रल पावर जनरेशन ले. ए कंट्रोल द ओवर वोल्टेज, बी डिस्कनेक्ट टर्बाइन फ्रॉम द बैटरी, सी प्रिवेंट्स द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी, डी कंट्रोल्स द ओवर स्पीड ऑफ द टर्बाइन. तो आप उत्तर हो सी जोटा कि प्रिवेंट्स द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी. ओवर चार्जिंग हबार नु रोकिबा पई हमें कौन व्यवहार करथाउ चार्जिंग कंट्रोलर जोटा कि बैटरी बेस्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच कंपोनेंट इन ए स्टीम पावर प्लांट इज यूज टू हीट द फीड वाटर फ्रॉम द फ्लू गैस. बोला मैंने एक क्वेश्चन को पूर्व आम पढ़ी चाचे कि बदल के देखे. तो आपण मान पावर प्लांट स्टीम पावर प्लांट रे जो आप फीड वाटर को गरम करने फ्लू गैस कौन प्रकार डिवाइस को आम यूज करता एसेसरीज को यूज करता ए बॉयलर, बी इकोनोमाइजर, सी अपर हीटर, डी एयर प्री हीटर. तो आप उत्तर कौन हो उत्तर होटा कि इकोनोमाइजर. ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्बाइन यूज इन टाइडल पावर जनरेशन. टाइडल पावर जनरेशन ले आपण मान टर्बाइन ला फंक्शन कौन. ए प्रिवेंट्स वाटर फ्लो टू द अदर पार्ट्स ऑफ डैम, बी कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, सी कीप द वाटर फ्रॉम फ्लो फ्रॉम लो टू हायर लेवल, डी कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो आपन को उत्तर बी है जो जोटा कि कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट करिया पई आपन टर्बाइन व्यवहार करथाउ टाइडल पावर जनरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख देबा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव रेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन. तो रेडियोएक्टिव रे जो आप न्यूक्लियर फ्यूजन ले आप प्रोड्यूस हुए तार इफेक्ट कौन था. ए डैमेज द रिएक्टर्स, बी क्रिएट्स हेल्थ हैजर्ड्स, सी रिड्यूस फ्यूजन प्रोसेस, डी इनरमस हीट इज प्रोड्यूस. तो आपको उत्तर जो है क्रिएट्स हेल्थ हैजर्ड्स. तो हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट करता है सीटा को हमें तार रेडियोएक्टिव इफेक्ट यहाँ ही रही था. ठीक अच्छे पिला मैंने ये थी आज का सेशन रो पूरा 26 क्वेश्चन जोटा कि आपण मान समस्त क्वेश्चन इंपोर्टेंट रही. तो पिलाने आशा करी समस्त सेसन भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट सारे जमा भूलती पुणी एक वीडियो सहित जल्दी देखा हो से पर्यटन समस्त को बाय बाय.